आज बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बनाने वाले हैं मसाला कलेजी और बहुत ही जल्दी से बन भी जाने वाली। जब इस तरीके से बनाएंगे घर में सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लिए हैं आधा केजी कलेजी और कलेजी को खूब अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं। ये देखिए पूरे ये आधा केजी कलेजी हैं। और यहाँ पे हम लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे बारीक ऑमलेट साइज में कट कर लिए हैं। ये करीब 150 ग्राम की हैं। और यहाँ पे हम 150 ग्राम सरसों का तेल डालें कढ़ाई में। तेल को खूब अच्छा गर्म हो जाने देंगे। फिर इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, हरी इलायची, बड़ी इलायची, गोल मिर्च, दालचीनी और लौंग, जो भी आपके पास है खड़े मसाले आप डाल सकते हैं। और आधा चम्मच जीरा डालेंगे और यहाँ पे जो कटी हुई प्याज थी उसे डाल देंगे। डाल के मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज को हम ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, बस 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। बस चम्मच से इसे थोड़ा सा और चला देंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट पूरा 2.5 चम्मच। जितनी आप क्वांटिटी में बनाए उसके हिसाब से अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। यहाँ पे हम 2.5 चम्मच डाल रहे हैं। ये देखिए अच्छे से डाल के तेल में मिला देंगे। पेस्ट को थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, कलेजी से स्मेल जो आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। बस 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, जो अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट है अच्छे से कुक हो जाए। वो अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी। कलेजी को डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे। पाँच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से खूब चलाकर भून लेंगे कलेजी को। तेल में ही अच्छे से जब भून लेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये कलेजी कुक हो जाएगी और कलेजी को गलने में टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए अच्छे से भून लिए हैं, 5 मिनट हो गए हैं। और आप कलर भी देख सकते हैं चेंज हो गए हैं भूनते हुए। अभी हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किए हैं। अब हम इसमें पीसे हुए मसाले डालेंगे। 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। ये देखिए यहाँ पे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालें और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर है डाल देंगे। और डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। अगर स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो कम थोड़ी मिर्च डालिएगा। यहाँ पे 1 चम्मच भर के कूटी हुई मिर्च डाल दी और आधा चम्मच हम डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च। और आधा चम्मच गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम अभी नमक नहीं डाले हैं। नमक डाल देंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी और गलेगी नहीं जल्दी से। नमक हम बाद में डालेंगे। और मसालों को आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और कलर ही कितने अच्छे से आ गए हैं। ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरीके से भुनाई करना है। और अभी से ही बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है कलेजी में। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च लिए थे बेस से कट करके डाल दिए हैं। इस डालकर अच्छे से मिला देंगे इसे भी। बहुत ही अच्छा ये टेस्ट आएगा और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी। पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं तली में, और अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए अच्छे से मिला दिए हैं। अब ढक्कन से ढक देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे कलेजी को गलने तक पकाएंगे और बीच बीच में ढक्कन को खोलकर चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि मसाले तली में चिपके नहीं तो चिपक के जल जाएंगे। और ये देखिए बीच बीच में खोलकर ढक्कन को अच्छे से चला रहे हैं और कलेजी को गलने तक पकाना है। और आप लोग भी ढक्कन को बीच बीच में खोलकर चेक करते रहिएगा, नहीं तो तली में मसाले जाके चिपक जाएंगे और जल जाएंगे, टेस्ट अच्छे नहीं आएंगे। फिर से हम ढक्कन को ढक देंगे और ढक्कन को ढककर खूब अच्छे से गलने तक पकाएंगे। और ये देखिए फिर से ढक्कन को खोल के देख रहे हैं और कलेजी यहाँ पे अच्छे से गल गई है। आपको ये दिखाते हैं हम। ये देखिए
कलेजी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गई है, बस अब हम इसकी भुनाई कर देंगे। खूब अच्छी तरीके से फ्लेम को मीडियम करके भून लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे नमक। कलेजी जब अच्छे से गल जाएगी तभी नमक डालिएगा, नहीं तो सख्त हो जाएगी नमक डालने के बाद और जल्दी से गलेगी भी नहीं। ये देखिए 1 चम्मच भर के नमक डाली है, या तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। खूब अच्छी तरीके से चला दिए हैं और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कलेजी में और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और ये देखिए अच्छी तरीके से दही को डाल के चला देना, और जब भी दही डालिएगा फ्लेम को लो कर लीजिएगा, लो फ्लेम पे ही दही को डालना। 1/2 चम्मच से भी कम डाल देंगे यहाँ पे चुटकी भर गरम मसाला, इससे खुशबू बहुत ही अच्छा आएगा कलेजी से। और ये देखिए कलेजी बन के तैयार है और फ्लेम को बंद कर दिए हैं, ढक्कन से ढक दिए हैं। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे ताकि कलेजी अच्छे से मसाला भिन जाए कलेजी में, और अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए और ये देखिए कलेजी बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनी हुई है और घर में सभी को बहुत ही पसंद आई थी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाए हैं। हम आपको दिखाते हैं कितनी अच्छे से कलेजी गल गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गल गई है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।